दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग योर आइडिया में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, हमने बनाया है गाजर गोश। चिकन में हमने गाजर डाली है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और सर्दियों में ये गोश बहुत लोग बनाते हैं, तो इसलिए आज मैंने इसकी रेसिपी आपको देने के लिए सोचा। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल गाजर गोश। आइए देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाया। एक कुकर, उसमें हम डाल देंगे ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप जो यूज़ ऑयल खाते हो उसका यूज़ कर सकते। अब हम ऑयल को अच्छे से पका लेंगे धुआं निकलने तक। कुकर में कर लिया है मैंने ऑयल गरम, मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। मैंने अच्छे से ऑयल को पका लिया है। अब मैं ऑयल में डालूँगी प्याज। मैंने प्याज को पीस के रखा है, प्याज का मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। मैंने एक लिया था एक बड़े साइज़ का प्याज, उसे मैंने पीस लिया है। गाजर गोश्त के लिए मैं प्याज पीस कर यूज़ करूँगी। अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए प्याज मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसको प्याज को हम भून लेंगे अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक, हाई फ्लेम पर। ये मैंने फ्लेम कर दी है हाई, हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम मसाले, 2 चम्मच भर कर डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें पानी ताकि हमारे मसाले लगे ना, क्योंकि प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी, और आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं थोड़ी सी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि हम इसमें अभी हरी मिर्च डालेंगे, इसलिए लाल मिर्च मैं थोड़ी डाल रही हूँ। और हम इसमें अब डाल देंगे नमक, वो भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और अब थोड़ा सा पानी हम इसमें और मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएँ। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो पहले हम मसालों को भून लेते हैं थोड़ा, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो निकल जाए। ये देखिए मसाले भुन चुके हैं। ये देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं, तेल ऊपर आने लगा है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। तो ये मैंने ले लिया है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चें मिक्स कर दी हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैंने टमाटर मोटे मोटे काट कर रखे थे 2 बड़े साइज़ के, और हरी मिर्चें 5 से 6 हरी मिर्चें काटी थी मैंने वो, और मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, सब चीज़ मैंने इसमें मिक्स कर दी है। अब इसको अच्छे से चला कर पका लेंगे 2 मिनट के लिए हम। 3 से 4 हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चें, 3 से 4 हम डाल देंगे लौंग, थोड़े से डाल देंगे हम दालचीनी का टुकड़ा, सो थोड़ा सा ही डालेंगे। अब हमने जो गाजरें काट कर रखी हैं वो हम अपने मसालों में मिला देंगे। सारी गाजर हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने 1/2 किलो गाजर ली थी, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काटा था, बिल्कुल बारीक। अब हमें इन गाजरों को उबाल, मतलब सॉफ्ट कर लेना है, बिल्कुल गला लेना है, क्योंकि हम चिकन में गाजर गोश्त बना रहे हैं तो हमें गाजरों को पहले ही गला लेना है, वरना हमारा चिकन जल्दी गल जाएगा और हमारी गाजर टाइट रह जाएंगी। वो गाजर गोश्त के लिए हमें गाजर बिल्कुल घुटी हुई चाहिए, तो हम इसमें सीटी लगा लेंगे। 1/2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और इसको मिक्स कर लूँगी मैं। पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं सीटी लगाऊँगी तो मेरा मसाला और मेरी गाजर जो है वो जले नहीं, तो मैंने पानी डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। अब मैं इसका लगा दूंगी लिड। लिड लगाकर हम कम से कम 3 या 4 सीटी ले लेंगे, उसके बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। ये मैंने लगा दिया है लिड, और मैंने फ्लेम रखी है हाई, तो अब हम 3-4 सीटी के बाद इसको खोल लेंगे, तब तक हमारी गाजर अच्छे से गल जाएंगी। ये मैंने 5 सीटी लगा ली हैं और हमारी गाजर लगभग पक कर ऐसी हो गई हैं। तो अब हम इसको एक बार ऐसे घोट लेंगे चमचे की हेल्प से सबको। हमारी गाजर अभी घुट नहीं रही है, इसका मतलब अभी गाजर हमारी टाइट है। तो हम इसका लिड लगा कर दोबारा से 3 से 4 सीटी लगा लेंगे ताकि हमारी गाजर गल जाए और हमारा गोश्त जल्दी बन जाए।
और गाजरें हमारी मीठी हैं, तो दो टमाटर हमने जब ऐड करे थे इसमें, और तीन टमाटर मैंने और काट कर रखे हैं, वो भी मैं अभी ऐड कर लूँगी क्योंकि मुझे अभी और सीटी लगानी है। तो गाजर के साथ टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। हमें बहुत सारे टमाटर यूज़ करने हैं गाजर गोश्त के लिए, क्योंकि गाजर हमारी मीठी होती हैं और गाजर गोश्त मीठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए हमने और टमाटर ऐड कर लिए हैं। आप भी अपनी गाजरों के अकॉर्डिंग, अगर आपकी गाजरें कम मीठी हों तो आप उसी अकॉर्डिंग टमाटर ऐड करें, और अगर ज़्यादा मीठी हों तो ज़्यादा टमाटर ऐड करें। तो अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, लिड लगा के इसमें हम 5 सीटी ले लेंगे ताकि हमारे टमाटर और गाजर दोनों गल जाए अच्छे से। तो मैंने लिड लगा दिया है और मैंने फ्लेम हाई रखी है, मैं इसमें 5 सीटी और ले लूँगी, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी गाजर और टमाटर किस हद तक गल गए हैं। तो ये देखिए मेरी 5 सीटी आ चुकी हैं, मैंने लिड खोल लिया है और हमारी गाजर अब ऐसी हो गई है। तो अब इसको हम घोट लेते हैं। थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें चाट मसाला, क्योंकि हमारी गाजरें मीठी हैं, हमने टमाटर भी काफ़ी सारे डाल लिए हैं इसकी वजह से, तो मैंने चाट मसाला थोड़ा सा ही डाला है। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी गाजर को घोट लेंगे। डाल देंगे अपना चिकन जो हमने वॉश करके रखा है, मैंने आधा किलो गाजर ली थी और आधा किलो ही मैंने चिकन लिया है, तो हम इसमें चिकन डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों को। थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें खटाई अमचूर पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है इसलिए मैं बहुत कम डाल रही हूँ। अब चिकन को हम गाजरों के साथ 2 मिनट के लिए भून लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसका लिड लगा देंगे। हम भूनेंगे इसलिए ताकि टेस्ट चला जाए सारे मसालों का और गाजर का चिकन के अंदर। तो हमने सब मिला दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें भुनाई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको प्लेट से ढक देते हैं, 2 मिनट तक इसको ऐसे पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो हमें अब इसमें लगा देनी है लिड। इसको मैं चला लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 मग के करीब पानी। देख लेते हैं चलाकर। थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी मैं, क्योंकि अभी हमें इसमें सीटियाँ लगानी हैं तो ये पानी पी लेगा। आधा मग पानी मैं और डाल दूँगी। तीन डालूंगी मैं साबुत हरी मिर्च इसमें, और हमें इसमें ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है, सिर्फ मैं 2 सीटी लगाऊंगी क्योंकि चिकन हमारा जल्दी गल जाएगा, तो मैं सिर्फ 2 सीटी ही लगाऊंगी। ये देखिए मैंने 2 सीटी लगा ली हैं और कितना अच्छा कलर लग रहा है हमारे गाजर गोश्त का। अब इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो हम इसमें गैस ऑन करके और प्लेट से ढक कर इसको थोड़ा सा पानी को सुखा लेंगे, और थोड़ा सा हमारा चिकन भी टाइट है तो हमारा चिकन भी गल जाएगा। और इसी स्टेज पर हम नमक और मिर्च टेस्ट कर लेंगे, अगर नमक या मिर्च कुछ भी कम लगे आपको तो आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने प्लेट से ढक लिया है और मैंने गैस की फ्लेम कर ली है हाई। अब पानी थोड़ा सा सुखा लेंगे, फिर उसके बाद हमारा गाजर गोश्त बनकर रेडी है। इसी स्टेज पर मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी। आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप कसूरी मेथी या हरा धनिया कुछ भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये देखिए हमारा गाजर गोश्त बनकर रेडी हो चुका है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये भाप निकल रही है ये देखिए। तो बस अब हम इस स्टेज पर बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे। हमारा गाजर गोश्त बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर करिए। थैंक यू।